अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि ये सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपके दिन को, आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्तनद खबर लाने वाले और जामे तज्जिया पेश करने वाले एडिटर रोज़नामा 92 न्यूज़ राव खालिद साहब। बहुत शुक्रिया राव साहब आपके वक्त का। और मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नामवर तज्जियाकार सुहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। शहर लाहौर का नाश्ता पूरी दुनिया में मशहूर है और बिलखसूस सावन के बाद ये बादों का महीना, और इसमें शहर लाहौर का जो रिवायती नाश्ता है उसकी सेहत के लिए भी बड़ी अफादियत है। और ऐसी ही एक ख्वाहिश का इजहार किया था तकरीबन 52 साल पहले भारत की जानिब से, और भारत ने बबांगे दोहल कहा था कि सुबह नाश्ता जाके हम शहर लाहौर में करेंगे, अनारकली में करेंगे, दीगर अहम जो मकामात हैं वहाँ पे करेंगे। लेकिन ये उसकी एक ख्वाहिश थी जो ख्वाहिश ही रही, और उसके बाद नाकों चने चबवाए गए। जिस तरह भारतीय फोर्सेस को तारीख उसकी गवाह है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम गवाह हैं बल्कि पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि अपने आप से 10 गुना बड़ी भारतीय फ़ौज, जिसके पास ज़्यादा साजो सामान, जिसके पास नफरी ज़्यादा, जिसके पास वसाइल ज़्यादा, जब उसने बदनीयती से पाकिस्तान की जानिब देखा तो फिर शब के अंधेरे में ही उन्हीं की तोपों के रुख उन्हीं की जानिब मोड़ दिए गए। आज के दिन को यौम दिफाए पाकिस्तान कहा जाता है। टीम बाखबर सुबह की जानिब से, टीम 92 की जानिब से सभी देखने वालों को आज के दिन की बहुत मुबारकबाद। और आज यौम दिफाए पाकिस्तान यौम तजदीद दिफा भी है। इस मुल्क के दिफा के लिए, ना सिर्फ इसकी सरहदों की हिफाजत के लिए जहाँ पाक फौज तैयार है, अपने फ़राइज अंजाम दे रही है, वहीं इसके जो अंदरूनी महाज हैं उनकी हिफाजत के लिए एक आम पाकिस्तानी को भी अब अपने आप को बाशऊर करना होगा, अपने आप को लेकर आगे चलना होगा। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले इसी मामले का तस्करा करेंगे। भट्टी साहब, 52 बरस बीत गए, शुहदा की कुर्बानियाँ हैं, गासियों की कुर्बानियाँ हैं, लेकिन सरहदों के अंदरूनी जो मामलात हैं वो कौन से महाज हैं जहाँ अभी भी दिफा करना बाकी? जी फैसल, आज मुल्क भर में पाकिस्तान का 52वां यौम दिफा इंतहाई और भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 1965 के अंदर जब मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत को मुजाहिदीन की बेदरपे फतूहात का जब सिलसिला जारी था, तो भारत बुखलाहट का शिकार होकर उसने रात की तारीखी के अंदर इंतहाई बुजदली का मुजाहरा करते हुए और ऐलान जंग किए बगैर अपना एक प्लान बनाया और पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा, और लाहौर को फतह करने का पहले प्लान बनाया गया। लेकिन फिर न सिर्फ भारत ने, पाकिस्तानी अवाम ने देखा बल्कि दुनिया भर ने देखा कि पाकिस्तान की बहादुर और गयूर फौज ने और जुरत हौसले से भरपूर कौम ने जिस जहती के साथ भरपूर तरीके से दुश्मन को, दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया, उन्हें शिकस्त से दोचार किया, और भारत का वो ख्वाब जिसके अंदर वो ये प्लान किए बैठे थे कि वो लाहौर के अंदर जिमखाना में जाकर नाश्ता करेंगे और वहाँ पर जाकर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उनका ख्वाब वो कभी पूरा ना हो सका। इस मौके के ऊपर जहाँ पर कौमी वकार और मुल्क की दिफा के ऊपर कोई आँच ना आने दी गई, और इस मौके के ऊपर पाक फ़ौज के साथ इस कौम ने जिस अज़्म और हिम्मत इस्तकलाल के साथ कौमी यकजहती का मुजाहरा किया और लाजवाल एक दास्तान रकम की, उसकी दुनिया के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती। बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान ने उस वक्त जिस पाकिस्तानी फ़ौज ने और कौम ने जिस यकजहती का उस वक्त मुजाहरा किया था, उसके बाद आने वाले सालों के अंदर हमें मजीद बहुत से चैलेंजेस का सामना रहा, और उसको भरपूर तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी कौम यकजहती के साथ मुसलसल उसको उससे निमटती चली आ रही है। वो भारत जो 1965 के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज के मुकाबले में जो जंगी साजो सामान के लिहाज से और उसके साथ साथ अदली लिहाज से 10 गुना बड़ी उसके पास फौज थी, लेकिन उसके बावजूद दुनिया ने देखा कि एक अज़्म व हिम्मत के साथ, हौसले के साथ और बहादुरी के साथ जिस तरीके से हमने उस एक जंग का सामना किया, उस चैलेंज का सामना किया, और उसने हमें सुरखरू किया, और उसके बाद आने वाले सालों के अंदर भी तमाम चैलेंजेस को हम उसी हिम्मत के साथ निमटते चले आ रहे हैं। और लेकिन उसके साथ हमने देखा कि पाकिस्तान आगे बढ़ा और हम उसके बाद एटमी ताकत भी बने, लेकिन हमें अंदरूनी और बैरूनी खतरात और चैलेंजेस का बदस्तूर सामना है। हम देखते हैं कि हमने ज़रबे अज़ के ज़रिए भी, उसके साथ रद्दुल फसाद के ज़रिए भी, और उसके बाद खैबर फ्लो ऑपरेशन के ज़रिए भी अब दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। कौम इस फौज के साथ खड़ी है, हमें जो दुश्मन की रेशन दवानियत थी उसके आज भी उनका सामना है, लेकिन हम देखते हैं कि भारत ने
1965 की जंग के बाद भी सबक नहीं सीखा और मुसलसल वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों के अंदर वो मुदाखलत करता चला रहा है कि उसका मकसद क्या है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करे। लेकिन अब भारत समेत दुनिया भर को इस बात का इरादा कर लेना चाहिए, इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि जो मसला कश्मीर है उसको हल किए बगैर, कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किए बगैर, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल किए बगैर इस खित्ते के अंदर अमन कायम नहीं हो सकता। देर पामन के क्याम के लिए ज़रूरी है कि भारत कश्मीर के अंदर जारी मज़ालम बंद करे, उसके साथ कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम करे, उसके बाद ही पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकते हैं और इस खित्ते के अंदर देर पा अमन का ख्वाब है वो भी पाए तकमील तक पहुँच सकता है। और उसके साथ ये जो आज का दिन है हमें इस बात का भी दर्स देता है कि हमने माजी के अंदर जिस तरीके से दुश्मन का जिस डट कर हमने जिस तरीके से इत्तफाक इत्तेहाद के साथ हमने मुकाबला किया, उसी हिम्मत के साथ, उसी जज्बे के साथ मौजूदा चैलेंजेस को भी और मुस्तकबिल के चैलेंजेस को भी हमें मिलकर निमटना होगा। हमारा मुस्तकबिल हमारा रोशन है, ताबनाक है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए कौम को मुत्तहिद रहना पड़ेगा। मुख्तलिफ जो हमें शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के जो जिन अनासिर का सामना करना पड़ा है उसको ये कौम और फौज बाहमी तौर पर मिलकर इससे निमट सकते हैं और हम इंशाल्लाह इससे निमटेंगे और ये कौम और ये फौज इंशाल्लाह सुरखरू होगी। ठीक राव साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कश्मीर एक देरीना तनाजा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, लेकिन ये जो हालिया बुरहान वानी की शहादत के बाद तहरीक आज़ादी कश्मीर की लहर ने एक बार फिर से सर उठाया था, आप समझते हैं इस मौके से पाकिस्तान ने सफारती सतह पर भरपूर फ़ायदा उठाया, हमने सही तरीके से सफारतकारी की? देखिए, पाकिस्तान यकीन 70 साल से कश्मीर का केस लड़ रहा है, जगह भी लड़ चुका है और इसमें जो हर सतह पर सफारती सियासी और बैनुल अक़वामी सतह पे जो भी मदद हो सकती है इंसानी बुनियादों पे और एक कहले राइट्स जो उनके हैं, जो प्लेबिसाइड का राइट तस्लीम किया गया यूएन में, उसके लिए पाकिस्तान ने हर फोरम पे हर सतह पे कोशिश जारी रखी है हमेशा से। लेकिन जो कश्मीरियों की अपनी जद्दोजहद है, जो जिसको इंतफादा यानी कहना होगा, बेजाना होगा इंतफादा कहना, वो जद्दोजहद कभी बरी नहीं। हिंदुस्तान ने सरतोड़ कोशिशें कर ली, बैनुल अक़वामी कुव्वतों की मदद से भी इसको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ये जद्दोजहद ताहाल जारी है और बुरहानुद्दीन वानी की शहादत जो है ना उसने इसको मज़ीद जला बख्शी है और ये साबित किया है कि ये जद्दोजहद ख़त्म होने वाली नहीं है, इसको ना जबर से दबाया जा सकता है ना इसको मिटाया जा सकता है। कश्मीरियों को जब तक उनका हक़ नहीं मिलता, उनको प्लेबिसाइड का हक़ नहीं मिलता और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस मुल्क के साथ वो रहना चाहते हैं वो हक उनको नहीं मिलता, उस वक्त तक इस जद्दोजहद को ख़त्म करना नामुमकिन है। 70 साल में भारत को ये बात समझ जानी चाहिए। जहाँ तक यौम दिफा की बात करें तो मुझे अपना आलमोस्ट मैं 5 या 6 साल का था जब ये जंग हुई थी, तो पहला जो यौम दिफा था उस पर हमारे स्कूल में एक फंक्शन हुआ, प्राइमरी स्कूल में, मैं क्लास 2 में था, तो एक नज़्म मैंने वहाँ पर पढ़ी थी, पहली दफ़ा स्टेज पर स्पीकर के ऊपर मैंने नज़्म पढ़ी, वो थी तुम भी गवाह रहना, तारीख 6 सितंबर, आया था इसी शब को चोरों का एक लश्कर, तो मुझे 5 रुपये उसका इनाम भी मिला था, तो मुझे बड़ा अच्छी तरह से वो याद है जज्बा, वो जब ये जंग शुरू हुई और उसके बाद जो साल साल हमने देखा लोगों का जज्बा उसमें और ख़ासतौर पे जंग के वक्त। शॉर्टली शेयर करें क्या कैफियत क्या थी, हालात क्या थे, लोग क्या कर रहे थे? फैसल मैं आपको बताऊँ, लाहौर में जो दुश्मन को तो मुँह तोड़ फौज हमारी जवाब दे ही रही थी, लेकिन फौज में एक लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन पैदा हो गई थी, लोग डंडे सोटे जो जिसके हाथ में आए उठा के बॉर्डर की तरफ जाने को भाग पड़ा था, तो बड़ी मुश्किल से उनको समझाया बुझाया गया कि ये इस तरह से जंग नहीं लड़ी जाती डंडों चोटों से, आपका जज्बा काबिल कदर है, आप अपनी फ़ौज की मदद करें, दुआ करें, जो भी उनके लिए हेल्प कर सकते हैं वो उस तरह से वो हेल्प करें। फिर लाहौर में ये भी मंजर होता था, सायरन बजते थे, एयर अटैक हो गया है, लोग बजाए इसके के घरों में छुपते, खंद के खोद के उसमें छुपते, लोग छतों पे खड़े होकर जहाज़ों की लड़ाई का तमाशा देखा करते थे और कैसे कैसे जवाब मर्दी के किस्से उस वक्त रकम हुए, अजीज़ भट्टी शहीद से लेके एमएम आलम जो हमारे पायलट थे, डॉग फाइट उनकी बड़ी मशहूर थी और बड़े शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया तैयारे गिराने का, भारतीय तैयारे गिराने के, तो ये एक बहुत अजीम शान जज्बा था। तीनों मुसल्ला फौज ने बड़ी जवां मर्दी से, बड़ी दिलेरी से, बड़े तगड़े तरीके से जवाब दिया और वो जो आपने कहा जिमखाना, लाहौर जिमखाना में नाश्ता करने का जो भारतीय जर्नलों का ख्वाब था और उनके अफसरान का, वो धरे का धरा रह गया, उनको ऐसी मुँह की खानी पड़ी
कि आज तक वो अपने ज़ख्म चाट रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है कि जो वक्त के साथ साथ तरक्की, उस वक्त हम कह लें कि नए ना पाकिस्तान की क्रिएशन हुई थी, थोड़ा सा अरसा हुआ था, तो उस तरह से पूरी तरह तैयार नहीं थे, ना इस किस्म का ख़तरा महसूस करते थे कि भारत एक ऐसी जंग को हमारे रेगुलर बॉर्डर्स पे ले आएगा जो कि एक जद्दोजहद थी आज़ादी की। तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा कह लें कि एक शॉक की सूरत थी कि ये अचानक ये क्यों हमला हो गया, लेकिन जिस तरह फिर जवाब दिया पाकिस्तान ने, उसने साबित किया कि पाकिस्तान की फ़ौज जिस हाल में भी हो पूरी तरह अपना मुल्क का दिफा करने को तैयार है। और अब टेक्नोलॉजिकली अदरवाइज दुनिया भर में पाकिस्तान की फ़ौज अपनी बहादुरी के हवाले से, अपनी स्किल्स के हवाले से, अपनी महारत के हवाले से, और ख़ास तौर पे जितना वेल इक्विप्ड है इस वक्त वो मानी जाती है, पाकिस्तान का असला माना जाता है, पाकिस्तान के JF-17 थंडर को दुनिया मान रही है, तो पाकिस्तान की फ़ौज प्रोफेशनली अब बहुत आगे जा चुकी है, अब इंडिया कोई रिस्क नहीं लेगा। बिल्कुल, अब हालात वैसे ही हैं कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम भी हैं इंसान तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे। फैसल, एक कुछ लोगों का जिक्र जो उस शायर गुलूकार जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया सारे सिलसिले में, पुत्र हटाते नहीं विकदे, या कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करो, नूर जहाँ हों, मेहदी हसन हों, रजब अली हों, अनायसन भट्टी हों, क्या कमाल के लोग थे और क्या कमाल के उस वक्त शायर थे जिन्होंने शायरी की और कौम का जज्बा जगाए रखा। बिल्कुल, तमाम जो मकातब फ़िक्र हैं, तमाम शोबा है ज़िंदगी के लोग हैं, हर एक ने अपना किरदार अदा किया है और इस वतन के दिफा के लिए आगे भी करते रहेंगे। खैर, अब कुछ तज़किरा कर लेते हैं पाकिस्तान के कुछ अंदरूनी मामलात का और इदारों का, और इदारों के साथ साथ शख्सियत नवाजी का। शख्सियत परस्ती भी एक हमारा अलमिया है, लेकिन शख्सियत को नवाजना भी एक अलमिया है। एक नाम जिससे सभी वाकिफ़ हैं, मुश्ताक अहमद सुखेरा, इससे पहले वो पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल रहे हैं, कुछ अर्सा पहले वो रिटायर हुए और अब फिर उन पर एक नवाजिश की गई है। भट्टी साहब, आपसे ये मैं जानूंगा, लेकिन आप इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान बहरिया के आला अफसरान भी मौजूद हैं और इस मौके पर यौम दिफा की मुनासिबत से आज फिर से एक नया अज़्म किया जा रहा है पाकिस्तान के दिफा के लिए। इसके साथ साथ शुहदा और गाजियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है और इसके साथ साथ सलामी भी दी जा रही है, यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए गए हैं और ये तकरीब का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में आज के दिन की मुनासिबत से तकरीब जारी हैं और 92 न्यूज़ आपको इससे मुतालिक मज़ीद भी आगाह करता रहेगा। इससे पहले हम तस्करा कर रहे थे मुश्ताक अहमद सुखेरा, जिन्हें एक और इनायत की गई है, एक और नवाजिश उन पर हुई है। भट्टी साहब, मैं जानना चाहूँगा अब किस ओहदे पर इन्हें लगा दिया गया है। फैसल, मुस्लिम लीग नून कुछ अरसे से इस बात के दावे कर रही थी कि हमने मुल्क के अंदर खुशहाली लेके आनी है, तरक्की लेके आनी है, G20 ममालिक में हम शुमार होंगे, लेकिन ये सब कुछ उस वक्त आ सकता है जब सबसे पहले आप अपने घर से गुड गवर्नेंस का आगाज़ करते हैं, मेरिट पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आए हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे आइंदा साल के इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, उस तरीके से मुस्लिम लीग नून वो जो सिर्फ दावे जो किया करती थी उन दावों से भी मुसलसल हट रही है और किसी तमाम अपने किए गए वादों को बलाए ताक रखते हुए अब मनपसंद शख्सियात को नवाजने का सिलसिला जारी है, जिनसे वो समझते हैं कि वो उन्हें मुस्तकबिल में उन्हें भी फ़ायदा होगा और माजी के अंदर जो मुख्तलिफ शख्सियात ने खिदमात दी उन्हें उसके बदले में उन्हें रिवॉर्ड दिया जा रहा है। पहले शायद खान अब्बासी ने अपने कारोबारी पार्टनर अली जहांगीर सदीकी को नवाजा, हमने देखा कि उन्हें नैब की तहकीकात का सामना था, इंसाइडर ट्रेडिंग की उन्हें उनकी इंक्वायरी की जा रही थी, लेकिन उन तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए उन्होंने उस स्टेट मिनिस्टर अपॉइंट किया। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब के इंतहाई मंजूर नज़र, उनके इंतहाई करीबी तस्वर किए जाने वाले साबिक IG पंजाब मुश्ताक अहमद सुखेरा को, साबिक IG पंजाब को वज़ीर आला पंजाब की ही सिफारिश के ऊपर वफाकी हुकूमत ने उन्हें आइंदा 4 साल के लिए वफाकी टैक्स मोस्तसिब तैनात कर दिया है। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने वफाकी हुकूमत की सिफारिश के ऊपर इंतहाई खामोशी के साथ या आंखें बंद किए हुए समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। इस बात को और इस हकीकत को मद्देनजर रखे बगैर कि क्या मुश्ताक अहमद सुखेरा जी ने जिस ओहदे के ऊपर आइंदा 4 साल के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, क्या वह उस ओहदे के लिए अहल भी हैं कि नहीं, क्या वह उसके लिए मतलूबा तजर्बा रखते हैं कि नहीं, और उस ओहदे की किस कदर अहमियत है पाकिस्तानी मौशियत के अंदर, पाकिस्तानी ताजरों के दरमियान, लेकिन उन्हें 4 साल के लिए वफाकी मोस्तसिब तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी हो कर दिया गया।
वफाकी टैक्स मुनसिब का कितना अहम किरदार है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि FPR के जितने टैक्स से मुतल्लिक तनाज़ात होते हैं, जितने मामलात होते हैं, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के पास और दीगर कंपनियों के पास जो आखिरी उनके पास एक फॉरम रह जाता है कि अपनी सुनवाई हासिल करने के लिए, वो वफाकी टैक्स मुनसिब का ऑफिस होता है, उसके पास अपनी सुनवाई लेके जाते हैं। और हम देखते हैं कि गुज़श्ता एक साल के दौरान वफाकी टैक्स मुनसिब को FPR के खिलाफ 3417 शिकायात मौसूल हुई थी, और उसके बाद बहुत अहमियत का हामिल होता है वफाकी टैक्स मुनसिब का ओहदा, वो उन तमाम अमूर से उसको जानना ज़रूरी होता है जो टैक्स की पेचीदगी होती हैं। FPR वाले किस तरीके से जायद टैक्स रिकवरी करने के लिए ताजरों के साथ किस किस्म की ज्यादती करते हैं, उसको जांचना के लिए एक बड़ी महारत की ज़रूरत होती है, जो कि मुश्ताक अहमद सुखेरा साहब के पास दिखाई नहीं देती। और उसके साथ साथ मुश्ताक अहमद सुखेरा जिन्हें मॉडल टाउन के अंदर जो जो वाक्य पेश आया था जहाँ पर कई अफराद जहाँ बहक हो गए थे, उनके उस जो कत्ल का जो केस दर्ज किया गया था उसकी तहकीकात का भी सामना है और इनका केस अदालत में ज़ेरे समात है। और उसके साथ हम देखते हैं कि जो वफाकी टैक्स मुनसिब का इदारा था गुज़श्ता साल उसी वफाकी टैक्स मुनसिब के इदारे से पाकिस्तानी ताजरों ने FPR के खिलाफ जब शिकायत की थी तो उन्हें 3.5 अरब रुपये की वसूलियाँ भी हुई थी, जो कि FPR ने गलत तरीके से उनकी कटौती की थी। अब जो वफाकी टैक्स मुनसिब हैं मुश्ताक अहमद सुखेरा साहब, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से इन मामलों को आगे चला पाते हैं। यकीनन उनका सारा इन्हिसार अपने मातहत अफसरान पर होगा जो वो उन्हें गाइड करेंगे, कुछ कई माह अरसा उन्हें लगेगा उन रेगुलेशन उन कवानीन से वाकफियत हासिल करने के लिए जो कि वफाकी टैक्स मुनसिब के लिए जानना लाजमी होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एक हमेशा छाप रही है कि वो बैड गवर्नेंस करते हैं, मनपसंद शख्सियात को नवाजते हैं, और मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा इस मामले के अंदर आड़े हाथों लेती रही है। साहब, इससे पहले हमेशा एक ये ट्रेंड रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड जजेस को, जो हमेशा टैक्स के अमूर की केसेस सुनते रहे हैं, जिनकी स्पेशलिटी रही है, उन्हें वफाकी टैक्स मुनसिब के ओहदे पर तैनात किया जाता रहा है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हमने देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुएब सिडल को, जो कि जिनका ताल्लुक पुलिस ग्रुप से था, उन्हें वफाकी टैक्स मुनसिब उन्होंने तैनात किया था। अब मुस्लिम लीग नून ने भी उन्हीं उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक साबिक IG पुलिस को वफाकी टैक्स मुनसिब के अहम अहदे पर तैनात किया है। लेकिन इस अमल के नतीजे में यकीनन पाकिस्तानी ताजरों में और मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर भी बेचैनी पैदा होगी। आपको इस अहदे के लिए एक शफाफ और मेरिट के ऊपर एक अहल शख्सियत को यहाँ पर तैनात करना चाहिए था, ताकि जो टैक्स कलेक्शन के अमल के अंदर जो मुख्तलिफ नाइंसाफियाँ होती हैं, ज्यादतियाँ होती हैं, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे राव साहब, मैं इसी मामले पर आपसे कॉमेंट चाहूंगा। मुश्ताक अहमद सुखेरा इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस रहे, वहां पे हमने देखा कि वर्दी बदलने के अलावा कोई खास तब्दीली पंजाब पुलिस पे नहीं आई है, लेकिन क्या वफाकी टैक्स मुनसिब के अंदर जो कल्चर है वो बदलेगा? क्या जो ताजिर हैं, जो मुतालिका लोग हैं, जो साइल हैं, क्या उनकी तवक्कात पर मुश्ताक सुखेरा साहब पूरा उतरेंगे, यहाँ भी कुछ हाल पंजाब पुलिस वाला ही रहेगा? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। राव साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अव्वल तो ये बताइए कि मुश्ताक अहमद सुखेरा साहब के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि एक ओहदे से हटते हैं दूसरे पे आ जाते हैं, और क्या जो वफाकी टैक्स मुनसिब का ओहदा है उसके लिए वो साजगार मालूम हो रहे हैं? देखिए, ये जो जितने भी टैक्स के महकमे हैं उनकी चीरा दस्तियों के ख़िलाफ़ बुनियादी तौर पे जो लोगों को रिलीफ देने के लिए एक महकमा बनाया गया है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके लिए एक्सपर्टीज़, जैसे भट्टी साहब ने कहा, उसकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है। फिर यह है कि ये जो शख्स खुद चीरा दस्तियाँ करता रहा है, मॉडल टाउन का जो इतना बड़ा सानिया हुआ, इतने लोगों का 14 लोगों का मर्डर जो हुआ और इतनी बड़ी एक वाकया हुआ पाकिस्तान की तारीख का, उस वक्त ये IG पंजाब थे, और इनका बराह रास्त उसमें नाम आता है कि ये शायद उसमें मुलव्वस थे, या इनके ऑर्डर्स थे, या इनको किसी के ऑर्डर थे और इन्होंने आगे कहा। तो उसकी जो वो रिपोर्ट है अभी तक जो मंजर आम पे नहीं है, जस्टिस साहब की रिपोर्ट अभी दबा के रखी गई है, तो जब मंजर आम पे आएगी तो इनके अगर मुलव्वस उसमें होते हैं तो ये किस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी, ये आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इनकी अपनी पोजिशन क्या है इस वक्त, और ये इनकी खाम ख्याली है।
जो बुनियादी तौर पे एक माइंडसेट नज़र आता है इसमें, वो ये नज़र आता है कि ये 4 साल की टेन्योर पोस्ट है और ये एक जज की पोस्ट होती है बेसिकली, जिसमें कहा ये जाता है कि ये सारी इन चीज़ों से बालातर हो जाएंगे, अगर कोई चीज़ आ भी जाती है तो 4 साल कम से कम इनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी और ये उनको पेश नहीं होना पड़ेगा, कोई ऐसी गवाही नहीं देनी पड़ेगी जिसमें किसी अपने बड़े का नाम ले दें जो इनके मेहरबान हैं जिन्होंने इनको लगवाया भी है, उनका नाम ना ले दें। तो उससे बचने के लिए एक कह लें कि एक बड़ा ग्रैंड प्लान तैयार किया गया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अगर वो रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे आ जाती है तो उसके बाद इनके बचने की कोई सूरत होगी या इनके इस ओहदे पे रहने की कोई सूरत होगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही रही है हमेशा, ऐसे चापलूसों की तकर्री की वजह से इदारों की तबाही होती है। अगर कंपिटेंट लोग इदारों पे लगाए जाएं, कंपिटेंट लोग काम करें तो इदारे बेहतर परफॉर्म करेंगे, उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी, गवर्नेंस की सूरत हाल बेहतर होगी। अब लोगों को इसमें रिलीफ क्या मिलेगा, जो बंदा खुद जिसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम है, कत्ल का इल्ज़ाम है, 1 नहीं 2 नहीं 14 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है, अगर उसके खिलाफ वो सारी चीज़ें आती हैं मंजर-ए-आम पे तो वो क्या, वैसे भी मेरा ख्याल है जो माइंड सेट है पुलिस वाला। फिर दूसरा, इन्होंने पंजाब में क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, पंजाब पुलिस के आईजी रहे, कौन सा वहाँ पे इन्होंने पुलिस कल्चर चेंज कर दिया, कुछ जुराम में कमी हो गई, वहाँ पे पुलिस मुकाबले बंद हो गए हैं और पुलिस पूरी जो है वहाँ से रिश्वत का खात्मा हो चुका है और इंतहाई शफाफ किस्म की वहाँ पर हो रही है, एक वर्दी तब्दील की है। मैं अभी पंजाब से होके आया हूँ, मुझे तो कहीं तब्दील नजर नहीं है, मेरे ख्याल लाहौर में सब्ज वर्दी है, बाकी सब जगह वो नॉर्मल वही वर्दी पहन रहे हैं लोग, वो वर्दी भी तो पता नहीं कपड़ा खत्म हो गया या क्या, उनको फंड नहीं रहे। असल में 2,03,000 पुलिस वाले जो हैं वो इस वक्त ड्यूटी कर रहे हैं और वो फिर उन्होंने ये तय किया था कि इसको जोन में हम लेके जाएंगे, डिवीजन वाइज हम वर्दियाँ तकसीम करेंगे और उसके अंदर भी फिर वो एक अहम शख्सियत हैं, एक और दोस्त हैं उनकी जो फैक्ट्री है उससे वो वर्दियाँ खरीदी गई। ये खादिम आला जो बहुत बड़े मुंतजिम समझे जाते हैं उनका ये हाल है और ये अभी तक वैसे 4-5 महीने पहले ये वर्दियाँ तब्दील हुई हैं, दीगर पंजाब में अभी तक नहीं हो सकती हैं। खैर, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और ये मुल्की मईशत और इदारों के अंदर का एक और सिलसिला है, एक और कहानी है, भट्टी साहब ये कहानी सुनाएंगे। भट्टी साहब, अब की बार किसका रोना रो रहे हैं आप? फैसल, देखिए पाकिस्तान के अंदर मौशियत की बेहतरी के लिए, सरमायाकारी में इजाफे के लिए, वो मुल्की सतह पर हो या गैर मुल्की जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसमें इजाफे के लिए 2001 में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कायम किया गया। इस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो बरह रास्त ये प्राइम मिनिस्टर के मातहत काम करता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसके सदर होते हैं और उसके बाद इस बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है जो कि इसके सारे मामलों को देखता है। लेकिन आप ये देखिए कि 16 साल गुजरने के बावजूद अब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने इस बात का इंकशाफ किया है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ना तो अभी तक सर्विसेज रूल नोटिफाई हो सके हैं और ना ही इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशंस, इनके जो बोर्ड ने जो उसका बुनियादी टास्क है जिस मकसद के लिए कायम किया गया है वो किन रेगुलेशन के तहत काम करेगा, उसको क्या चेक इन बैलेंस होगा, किस तरीके से वो सरमायाकारी में इजाफा करेगा, उसको चेक इन बैलेंस क्या होगा, किस तरीके से सरमायाकारों को अट्रैक्ट करेगा, अगर कोई बेजाबती होती है तो उसके ऊपर किस तरीके से कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी, वो रेगुलेशन आज तक नोटिफाई नहीं हो सकी। और उसके बाद इस फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो अफसरान हैं उन्हें तनख्वाहें किस तरह से मिलेंगी, क्या उनके लिए बेसिक पे स्केल होगा या स्पेशल पे स्केल उनके लिए किया जाएगा, कुछ तय नहीं हुआ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जो इस वक्त बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अफसरान हैं वो वज़ीर आज़म हाउस के अफसरान और मुलाजमीन के जो बराबर जो तनख्वाहें और मराहत हासिल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अफसरान और मुलाजमीन को उनकी जो नेचर ऑफ जॉब है उसके मुताबिक दीगर जो हमारे इदारे हैं उनके मुकाबले में तनख्वाह और मराहत ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन जो शुरू में ड्राफ्ट किए गए थे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए जो सर्विसज रूल ड्राफ्ट किए गए थे उसके लिए उन रूल्स के मुताबिक ये तय किया गया था कि इन्हें जो सिविल सर्वेंट्स अमूमी तौर पर होते हैं उनके मुकाबले में तनख्वाह कुछ ज़्यादा मिलेगी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो दीगर मराज ये बेनिफिट्स मिलते हैं उसके वो अहल नहीं होंगे। लेकिन आज तक उसको नोटिफाई नहीं किया गया, वजारत ख़जाना इस बात को मुसलसल उसकी मुखालफत कर रही है, लेकिन इसका कोई दोबारा कोई नया हल नहीं बताया गया कि इसका नया हल क्या हो सकता है। 16 साल से वो एक अपनी मन मर्जी से सारा इदारा काम कर रहा है और सरमायाकारी का रेगुलेशंस भी नहीं है। अब हम अगर देखें तो इस 16 सालों के दौरान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने क्या अचीवमेंट की है वो हम देखते हैं कि इनके बैरूनी दौरे होते हैं, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज में शिरकत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो हदफ था सरमायाकारी का वो 17.7% था, जबकि अभी तक उन्होंने अपना ये हदफ हासिल नहीं किया और GDP के बराबर होना चाहिए था 17.7%, जबकि इस वक्त जो सरमायाकारी का हदफ है जो कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने जो के ज़रिए जो हासिल किया गया कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है
वो 15.8% है। इसी तरह जो गुज़श्ता वाले साल था उसके अंदर जो गैर मुल्की सरमायाकारी का हदफ मुकर्रर था बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए वो 4.5 अरब डॉलर था, जबकि गुज़श्ता वाले साल के दौरान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2.4 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी करवाने में कामयाब हो सका। इस हकीकत के बावजूद कि गुज़श्ता माली साल के दौरान सीपेक मंसूबों के तहत जो चाइना की सरमायाकारी थी वो भी मुसलसल होती रही थी, तो उसके बावजूद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी कोई बड़ी अचीवमेंट करने में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन वहाँ पर जो अफसरान का जो लाइफ स्टाइल है वो शहाना है, वो देखने वाला है। इस महकमे को, इस इदारे को रेगुलेट करने की अशद ज़रूरत है। और उसके बाद जब इसके जो चेयरमैन थे मिफ्ता इस्माइल साहब, जब वफाकी काबीना तहलील हुई थी उसके बाद से इसका जो ओहदा है चेयरमैन का वो अभी तक खाली है, और उसके अंदर भी एक बड़ी लॉबिंग जारी है इस वक्त के नया चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन होगा। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने करीबी दोस्त, अपने बिजनेस पार्टनर अली जहांगीर सदीकी, जिन्हें स्टेट मिनिस्टर का दर्जा पहले ही दिया जा चुका है, वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना मुआवन खसूसी पहले ही मुकर्रर कर चुके हैं, वो ख्वाहिशमंद हैं कि अली जहांगीर सदीकी को इस ओहदे पर तैनात किया जाए। जबकि दूसरी जानिब तारिक फातमी साहब भी अपनी भरपूर लॉबिंग कर चुके हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो मिल जाए। ये एक भागदौड़ जारी है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते तक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का तकरर कर लिया जाएगा। अहल शख्स का इसके ऊपर यहाँ पर तकरर होना चाहिए, सर्विसेज रूल फौरी तौर बनने चाहिए, और इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको फाइनल करके उसका नोटिफाई होना चाहिए, और इस इदारे की कारकर्दगी के ऊपर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। ठीक राव साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये तो एक अलहदा पहलू है कि चेयरमैन कौन आएगा। 16 साल से एक इदारा चल रहा है लेकिन जिसके कोई कवायद नहीं है, जिसकी कोई लिखत पढ़त नहीं है, जिसके कोई रूल्स नहीं हैं, और टैक्स पेयर के पैसों से वहाँ तनख्वाहें भी जा रही हैं, टैक्स पेयर के खर्चे पे वो लोग मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और अपना हदफ भी हासिल नहीं कर रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार है कौन? इनकी कोई कारकर्दगी भी नहीं है रूल्स रेगुलेशन के साथ साथ। अगर आप देखें इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को, तो आखिरी जो इनकी वेबसाइट पे आपको इवेंट मिलता है वो 2015 में एक पाक रशिया इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ था यहाँ पे कोई किसी होटल में, 5-स्टार होटल में, वो एक आपको जिक्र नज़र आता है। ये इदारे बुनियादी तौर पे ये वो सफ़ेद हाथी हैं जो सिर्फ मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए खड़े किए जाते हैं। 16-17 साल से ये इदारा बना हुआ है, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को अगर आप एवेल्युएट करें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये कर क्या रहा है ये इदारा, और ये बनाया किस लिए गया था, क्या इसने ऐसा कमाल दिखा दिया इतने अरसे में। ये कारकर्दगी की बुनियाद पे तो यहाँ पे कुछ पूछा ही नहीं जाता, यहाँ पे सिर्फ चापलूसी और जी हजूरी चलती है। जो इस किस्म के लोग हैं उनको नवाजा जाता है, उन इदारों को भी बरकरार रखा जाता है जहाँ पे अपने मनपसंद अफराद बिठाए हुए होते हैं। इनकी जो भट्टी साहब जिस इन्वेस्टमेंट का जिक्र कर रहे हैं, मैंने इनका पूरा वो पोर्टफोलियो देखा है जो इन्होंने अपने तौर पे दिया, वो मैक्सिमम उसमें क्या है, उसमें है जी आहा अब सीपेक आ गया, आहा अब फलानी फैक्ट्री आ गई, आहा अब वो आ गए, वो हर चीज़ आहा करके लिख देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। अपनी कोई इनकी कारकर्दगी नहीं है कि हमारी वजह से ये हुआ, हमने इस बंदे से बात की, ये इस गवर्नमेंट को हमने माइल किया, ये इस तरह गया। अब सीपेक आया, उसमें जो कंपनीज आ रही हैं, कोई पंजाब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कोई फ्रंटियर कर रही है, कोई सिंध गवर्नमेंट कर रही है, कोई बलोचिस्तान गवर्नमेंट कर रही है, कोई फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, उसमें प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जाहिर है वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए आना है यहाँ पे। तो ये सिर्फ आहा करके ना एक अपने वेबसाइट पर लगा देते हैं कि ये भी आ गए हैं, ये भी आ गए। ये एक अनाउंसमेंट फोरम बुनियादी तौर पर बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनको काम करना चाहिए वो बिल्कुल ये करने को तैयार नहीं है। कोई कारनामा इनका होता तो ज़रूर, सक्सेस स्टोरीज इनके एक है वेबसाइट पे सक्सेस स्टोरीज, दुनिया जहान की कंपनियां जो यहाँ पे एक चिंगम का रैपर भी भेज रही है ना, उसका लिखा हुआ है सक्सेस स्टोरी। सेवर भी है उसमें, वैसे जैसे इन्होंने उनकी इन्वेस्टमेंट सारी की, सेवर फूड्स जो है सबको पता है वो कहाँ से चले, किस तरह से उन्होंने प्रोग्रेस की, सारा इनका एक टका नहीं उसमें लगा ना एक। ये इनके बनने से बहुत पहले से वो सेवर एग्जिस्ट करता है, रेडी से लेके या बिल्डिंग्स तक, इस्लामाबाद में भी माशाल्लाह ज़बरदस्त कारोबार है उनका। इनका एक मेरा नहीं ख्याल कभी बंदे ने विजिट भी किया होगा बीआई का, लेकिन अपने वेबसाइट पे सक्सेस स्टोरी भी अपने खाते में वो भी डाला हुआ है इन्होंने। तो ये इनकी कारकर्दगी है कि बुनियादी तौर पर। फिर कैबिनेट कमेटी और इन्वेस्टमेंट है, मुझे पिछले 8-10 साल में उसका कोई इजलास नज़र नहीं आया जिसने इसको बुनियादी तौर पे कह ले गाइडलाइन देनी होती है या इन्होंने उनको ब्रीफ करना होता है, उसका भी कोई नहीं आया। एक कुछ अरसा बीच में मुहिबुल्ला शाह शायद थे किसी वक्त पीपल्स पार्टी के दौर में शायद थे, उन्होंने कुछ थोड़ा सा
कह लें कि इस पर उस वक्त शायद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, लेकिन इसी किस्म का फोरम था। उनके दौर में कुछ थोड़ी सी हलचल नज़र आई थी, कुछ बातें नज़र आती थी, वो खुद लोगों से इंटरेक्ट करते थे, कुछ नज़र आता। अब तो अरसा दराज से मेरा ख्याल है, आज भट्टी साहब ने स्टोरी की है तो मुझे भी याद आया कि हाँ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट नामी कोई एक इदारा है जहाँ पर लोग शायद कोई काम भी करते हैं। लेकिन अब इसे क्या क्या कहा जाए? सितम ज़रीफ़ी है कि 16 साल से एक इदारा चल रहा है और उसके कोई कवायद जवाबित नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। खैर अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। ये अच्छी डेवलपमेंट है बज़ाहिर ये, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रिबोटिक्स का पाकिस्तान के शोबा तिब में भी एक किरदार सामने आ रहा है। कराची के जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में एक नया शोबा साइबर नाइफ के नाम से मुतारफ़ करवाया गया है और ये बताया जाता है कि कैंसर के मरीज़ों का 30 मिनट में रिबोटिक ऑपरेशन होगा और इस दौरान जो पेशेंट है उसकी सर्जरी भी नहीं की जाएगी, उसकी जिल्द को भी नहीं काटा जाएगा और उसके जो लिबास उससे ज़ेब तन किया होगा उसको भी नहीं बदला जाएगा और इसकी मदद से, रिबोट की मदद से अब कैंसर का इलाज किया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर सरकारी सतह पर कैंसर का कोई भी मुकम्मल अस्पताल काम नहीं कर रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल सब जानते हैं शौकत खानम जो है वो काम कर रहा है। लेकिन ये डेवलपमेंट कितनी सूदमंद होगी राव साहब? पहली बात तो ये है कि माफिया इस तरह के सिलसिले चलने ही नहीं देता, और अगर चल जाता है तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से और दीगर जो फलाही इदारे हैं उनकी जानिब से कितने तआवुन की ज़रूरत रहेगी इस शोबे को? देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जिना अस्पताल में एक निजी फलाही तंजीम है, पेशेंट एड फाउंडेशन, और वहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स के तआवुन से फिर कुछ प्राइवेट लोगों ने उसमें फंडिंग की, कुछ 40 करोड़ से ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, एक जो साइबर नाइफ रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है। नॉर्मली जो कंप्लेंट आ रही थी सिंध में ख़ासतौर पे 2012 से ऑनवर्ड 1300 से 1400 मरीज सालाना कैंसर के वो रिपोर्ट हो रहे थे और उनके ये इब्तदाई स्टेज पे आप कह लें जिसम के किसी हिस्से में है उसको वहीं रोका जा सकता है, वहीं ख़त्म किया जा सकता है वो रोबोट सर्जरी से, तो उसको अब इलाज के लिए बहुत अच्छी ये सहूलत एक मयसर आ गई है। ये दुनिया भर को 200 से 250 इस किस्म के अवेलेबल हैं जिसमें पाकिस्तान कह लें कि एक पाइनियर इसमें बन गया ये हॉस्पिटल जहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो उसमें जो इलाज की इलाज मुआलजे के अखराजात हैं वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा हैं, $50,000 से $90,000 एक ट्रीटमेंट का जो 2 से 3 विज़िट्स होते हैं उसका होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये इन्होंने किया कि क्योंकि ज़्यादातर आम और गरीब लोग इसमें हैं जो ज़्यादा शिकार होते हैं इन चीज़ों का, तो उनको अफोर्डेबिलिटी देखते हुए उनको बहुत कह लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा इलाज किया जाएगा। ये बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो यकीनन लोगों में इत्माद पैदा करती हैं इन इदारों के हवाले से, अगर उनको सेहत की सहूलतें प्रॉपर मैसर आ जाए। लेकिन जहाँ तक ये फैसिलिटीज़ की बात है, एक थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूँ कि जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर को 13 से 14 फैसिलिटीज़ हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर, नूरी हॉस्पिटल भी यहाँ पे है जैसे जी, जहाँ पे कैंसर का इलाज किया जाता है वो बहुत ज़्यादा उस तरह पब्लिसाइज नहीं होता, लेकिन शौकत खानम नो डाउट एक बहुत बड़ा वेंचर है और बहुत बड़ा उसका अच्छा काम है, साथ ये भी एक बहुत अच्छा राव साहब ये डेडिकेटेड हॉस्पिटल तो 100% नहीं है कैंसर के लिए ना, शौकत खानम का एक नाम सामने आता है कि वो उन्होंने बिल्कुल डेडिकेटेड किया, लेकिन ये फैसिलिटीज़ जो हैं ये पाकिस्तान में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर भी ये चल रही हैं और काफ़ी इफेक्टिव किस्म की हैं, को बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे गुजारे के लिए उन्होंने शुरू किया, लेकिन अच्छा वहाँ पे भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है और काफ़ी कह लें कि रीज़नेबल प्राइस पे भी वो आपको मिल जाता है। दूसरा यह कि ये इलाज से एक और जो है बेगम कुलसूम नवाज साहिबा इस वक्त लंदन में ज़ेर इलाज हैं, गले का कैंसर था, उनकी भी सर्जरी मेरा ख्याल इसी किस्म की सर्जरी थी जो ये अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, तो उम्मीद है कि इस किस्म की चीज़ों के बाद हमारे जो मुस्तकबिल के लीडर हैं जो बड़े बड़े हैं या छोटे छोटे वो पाकिस्तान में इलाज कराएंगे, लेकिन कुछ लीडर जो कैंसर की तरह या कुछ लोग जो कैंसर की तरह इस मुल्क को लगे हुए हैं उनके इलाज के लिए भी किसी साइबर नाइफ की ज़रूरत है पाकिस्तान में। ठीक है भट्टी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये साइबर नाइफ शोबा इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बज़ाहिर एक बहुत बड़ी रिलीफ है पाकिस्तान की आवाम के लिए, कौन से इकदाम करने होंगे और इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? फैसल देखिए ये इकदाम इंतहाई खुश आइंद है और देखिए हम सिंध के अंदर स्पेशली कराची के अंदर जिन सेहत के शोबे के अंदर जिन चैलेंजेस का और आवाम को दरपेश जिन मुश्किलात का जिक्र करते हैं हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इस इकदाम के बाद ये एस्टेब्लिश हो गया
कि अगर सिंध हुकूमत और उसके साथ साथ अगर कुछ जो मुतलका इदारे हैं अगर वो चाहें, अगर उनकी विल हो तो कराची में सिंध भर के लोगों को सेहत की मियारी सहूलियात मुयसर हो सकती हैं। देखिए अभी सारे मामले के अंदर किसी जगह के ऊपर हमने ये नहीं सुना कि इसके लिए जो इतना महंगा इलाज होता है दुनिया भर के अंदर वो लोगों को मुफ्त मिल सकेगा। और जिस तरीके का एक अरेंजमेंट किया गया है कि इसके अंदर कुछ फलाही तंजीमों ने भी कंट्रीब्यूट किया है, एक जॉइंट वेंचर है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत के अंदर गरीब आवाम को मुफ्त इलाज मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है सिंध के और कराची के आवाम के लिए, जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के कमीशन के तहत भी मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ इस वक्त काम कर रही हैं। वहाँ पर भी ये इलाज मुकम्मल तौर पर फ्री नहीं है, यकीनन वहाँ पर बड़ा म्यारी इलाज की सहूलियात मुयसर हैं, लेकिन किस हद तक आपको एक रिजनेबल प्राइस पे करना पड़ती है। ये एक अच्छी सहूलत है, लेकिन इसके साथ इस बात के ऊपर आप कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत होगी कि ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, ये कामयाब तरीके के साथ इसको चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से फिर बाद में हम सिंध के अस्पतालों के अंदर, हम सरकारी अस्पतालों के अंदर खसूसी तौर के ऊपर देखने का मिलता है कि कोई इस किस्म का बड़ा एडवांस जब कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसके कुछ अरसे बाद उस मशीनरी की, उस पूरे सेटअप की उस तरीके से केयर नहीं की जाती, उसकी स्पेयर पार्ट्स की उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती, अल्टीमेटली कुछ अरसे बाद वो चीज़ कौमी खजाने के लिए और उस इदारे के लिए वो बाले जान बन जाती है। इस इनिशिएटिव को और इस रिपोर्ट को कामयाब तरीके के साथ चलना चाहिए, दीगर सरकारी अस्पतालों के अंदर भी इस सहूलत को मुस्तकबिल के अंदर इसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया जदीद तरीकों के इलाज मुआलजे के जदीद तरीकों की जानिब बढ़ रही है, और इसी स्पिरिट को, इसी विल को और सिंध हुकूमत तो कंटिन्यू करे तो जो दीगर अमराज के लिए जहाँ पर अद्वियात मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, वहाँ पर उनका इलाज मुआवजे के लिए टेस्ट के लिए लेबॉरटरीज मौजूद नहीं है, तो दीगर शुबों के अंदर भी इस किस्म की सहूलियात मुयसर हो सकती हैं। सिंध के अंदर बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो जो साहिब इस्तेतात हैं, जो फलाही शोबों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सिंध गवर्नमेंट एटलीस्ट एक ऑनेस्ट और एक शफाफ निज़ाम बना दे तो लोग अपनी मदद आपके तहत भी आगे बढ़ के इस निज़ाम को बेहतर बनाने की सलाहियत रखते हैं। ठीक बटी साहब, सेहत आमा की बात कुछ तहफ़ आमा का तस्करा कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा सानहा रूनुमा हुआ था अहमदपुर शर्किया में, 70 रोज़ गुजर गए हैं, उसके बाद हमने देखा बुलंदोबांग दावे किए गए और गवर्नमेंट ने किसी हद तक इकदाम करने की कोशिश भी की, लेकिन ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, इनकी जानिब से इदारों को फिर से ब्लैकमेल किया गया। और 70 रोज़ के बाद अब क्या इकदाम हुए हैं, क्या तसल्ली बख्श है वो मयार जो होना चाहिए ऑयल टैंकर्स का और ये लोगों की जान के लिए ख़तरा नहीं है? फैसल, बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर ये ट्रेंड बन चुका है कि किसी भी चैलेंजेस से निपटने के लिए हम उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं करते जब तक कोई सानह रोनमा ना हो जाए, लेकिन अब इस मामले में जब एक सानह रोनमा हुआ, उसको 70 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उस चैलेंज से और उस उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए अभी तक हम कोई ठोस इकदाम उठाने में कामयाब नहीं हो पाए। ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जहाँ पर 214 से ज़ायद कीमती जाने यहाँ पर वो लोग जाम भाग हुए, और उसके बाद अदालतों के अंदर ये केस पहुँचा, वफाकी हुकूमत एक्टिव हुई, ओगरा एक्टिव हुआ, सूबाई हुकूमत एक्टिव हुई, बुलंदोबांग दावे किए गए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और ऑयल टैंकर्स की मिली भगत ने, उनके गठजोड़ ने तमाम हुकूमती इदारों, तमाम सरकारी इदारों को, रेगुलेटर्स को बेबस कर दिया है। कोई भी इस मामले के अंदर अभी तक पेशरफ करने में कामयाब नहीं हो सका। ओगरा की जानिब से जो 10 साल 12 साल कबल जो मुख्तलिफ जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे जिसके मुताबिक ऑयल टैंकर्स को बनाया जाना चाहिए था, उसके बाद वो रोड्स के ऊपर होते, उनके ऊपर अमल दरामद ना किया गया, ये सानहे पेश आया, उसके बाद इस सानहे के जिम्मेदार शेल कंपनी को भारी जुर्माना आयद किया गया, और उसके बाद ये कौम से वादा किया गया कि अब ऑयल टैंकर जो कि ओगरा स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते वो हमें शराहों पर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद इन 70 रोज के दौरान 20 से ज़ायद और वाकयात हो चुके हैं। ये शुक्र है खुदा का कि कोई और उसके हिफाजती इकदाम किए गए, टैंकर उल्टे, लेकिन कोई जान ज़ाया होने का वाक़ सामने नहीं आया, लेकिन हमें बजाय इसके किसी और बड़े सानहे का इंतज़ार करना चाहिए, हमें कोई मौसर स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़ना चाहिए था। ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल जिसका काम है, जो कि एक नुमाइंदा एक बॉडी है तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनी और रिफाइनरियों की, उन्होंने इस बात का भी अब इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के अंदर 12,000 से ज़ायद ऑयल टैंकर मौजूद हैं और 60 से 80% जो ऑयल टैंकर्स हैं ओगरा स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते। गुज़श्ता 2 मरतबा कोशिश की गई कि जो गैर मियारी जो ऑयल टैंकर्स हैं उन्हें अपग्रेड किया जाए, लेकिन जब गठजोड़ हुआ कंपनियों का और ऑयल टैंकर्स का स्ट्राइक की गई, मजबूरन हुकूमत को बैकफुट पर जाना पड़ा। अब जब बैकफुट पर जा चुके हैं उसके बाद बिल्कुल खामोशी छाई हुई है,
अब ऑयल कंपनी एडवाइजरी कमेटी ने और OMCs ने और टैंकर्स ने ओग्रा से मजीद मोहलत मांगी है कि हमें अब ऑयल टैंकर्स को अपग्रेड करने का वक्त दिया जाए। वक्त जरूर मांगा गया लेकिन कोई भी टाइम लाइन देने को तैयार नहीं है कि आइंदा एक माह के अंदर, आइंदा दो माह के अंदर या आइंदा तीन माह के अंदर इन ऑयल टैंकर्स को अपग्रेड किया जाएगा। खामोशी से बात जारी है लेकिन कोई इसकी जानिब तवज्जो देने को तैयार नहीं है। अगरचे कि लाहौर हाई कोर्ट में भी मामला पहुंचा था, वहां पर तमाम मुतल्लिका इदारों ने इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि ऑयल टैंकर्स जो ओग्रा स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते उन्हें शाहराहों पर चलने की मूव करने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन उसके बाद मजबूरन वो ऑयल टैंकर्स काम कर रहे हैं। एक तो उनके लिए कुछ टाइम लाइन होना चाहिए कि उन्हें रिप्लेसमेंट करने के लिए दो से तीन माह का टाइम दिया जाए या अपग्रेड करें या उनको शाहराहों पर आने की इजाज़त ना हो, टाइम लाइन मुकर्रर करना जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा काम है दुनिया भर के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की ज्यादातर जो लॉन्ग डिस्टेंस पे आपने ट्रांसपोर्ट करना होता है वो पाइपलाइन के जरिए होती है। पाकिस्तान में सिर्फ एक पाइपलाइन मौजूद है 860 किलोमीटर की जो कि कराची से मिड कंट्री तक आती है, उसके जरिए सिर्फ हम 37% जो हमारा पेट्रोलियम मसनूआत है हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। इस पाइपलाइन की कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ाने की जरूरत है। उसके बाद पैरेलल हमें एक और पाइपलाइन बिछाने की जरूरत है जिसके ऊपर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और उसके साथ ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल की जानिब से इत्तेफाक किया गया है कि हम इसको एक और पाइपलाइन बिछाकर जो टैंकर्स के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील का निसार है उसको 80% तक कम करने की जरूरत है। राव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने इन 70 दिनों के दौरान कई बार हड़ताल की धमकी दी है, वजह क्या है? ओग्रा जैसे इदारे ब्लैकमेल क्यों हो जाते हैं इन एसोसिएशन के हाथों? देखिए, बड़ी ये बदकिस्मती है कि इंसानी जानों का मसला है, ये कोई मजाक की बात नहीं है कि आप कोई छोटी मोटी चीज़ हो, सिर्फ टैंकर तब्दील करने की बात नहीं है। कई दो तीन बड़े हादसा हो चुके हैं जिसमें 70 से 80 लोगों की जानें चली गई। उसको इस तरह मजाक की तरह लेना या एक यूनियनबाजी या माफियाबाजी करके इसको मजाक उड़ाने की कोशिश करना या इसको तवज्जो ना देना, ये बहुत ही एक सीरियस मसला है और इस पर हाईएस्ट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे नोटिस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ओग्रा बेबस है। ओग्रा वार्निंग दे देता है, नोटिस इशू कर देता है, कंपनी बहुत तगड़ी है, कंपनी जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है उनकी और बड़ी बड़ी कंपनी है। ख़ासतौर पर ये जो शरकपुर वाला वाक़ हुआ था इसमें जो कंपनी मुलव्वस थी, ये बुनियादी तौर पर जिस दिन ये इन्होंने एसोसिएशन ने यहाँ मुज़ाकरात किए थे वज़ारत पेट्रोलियम और ओग्रा के साथ, उस दिन उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे उनके एक नुमाइंदे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस टॉक में कह दिया था कि 12,000 टैंकर्स को रिप्लेस करना दिनों का काम नहीं है, इसमें सालों लग सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैंकर्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत जो बनती है गाड़ी बनती है बुनियादी तौर पर जो ट्रॉलर बनता है वो और उसके बाद टैंकर बनने में उसमें काफ़ी एक महीने में पता नहीं कितने 100 बनते हैं या उस हवाले से, वो कहता 12,000 इतने सालों में चेंज होंगे। उसको कंटेस्ट नहीं किया मिनिस्ट्री ने, कंटेस्ट नहीं किया ओग्रा ने, कंटेस्ट नहीं किया, इसका मतलब उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, उन्होंने उस बात को तस्लीम कर लिया कि ठीक है इसको वक्त लगेगा, चेंजेस में टाइम दे देना चाहिए, साल दो साल, ये इंसानी जानों का मामला है, इस तरह से नहीं होता। अगर इस किस्म की चीज़ पर आपने करना भी है कम्प्रोमाइज़ तो आप एटलीस्ट टाइम लाइन दें, उनको मॉनिटर करें कि आया सबसे पहले जो पुराने तरीन टैंकर है, ख़राब तरीन टैंकर है, उनकी रिप्लेसमेंट इनिशियली शुरू कराएं, लेकिन उस तरफ कोई एक स्टेप भी नहीं लिया। 90 रोज़ हो गए हैं, जैसा कि भट्टी साहब ने बताया 70 रोज़ आलमोस्ट गुजर गए हैं अहमदपुर शिरकिया के साने को, तो कुछ उस पर कोई मामूली सी भी पेशरफ नज़र नहीं आती। इसका मतलब है ये संजीदा नहीं है, ये अगले हादसे का इंतजार हो रहा है, खुदा ना खास ऐसा कोई हादसा हो, ये बहुत ही एक कह लें कि कैलसनेस है ऑन द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री भी और ये टैंकर एसोसिएशन भी। ठीक, बहुत शुक्रिया राव खालिद साहब आपके वक्त का, सुहेल इकबाल भट्टी साहब आपके वक्त का। क्या वाकई हम किसी अगले हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर से ऐलानात होंगे, फिर से दबंग बातें होंगी और अमली इकदाम कुछ नहीं होंगे? यकीनी तौर पे ओग्रा को सोचना होगा, ऑयल टैंकर एसोसिएशंस को काबू में लाना होगा और जो एसोसिएशंस हैं उन्हें भी बहसियत फ़र्द इस कौम का शहरी होने के नाते सोचना ज़रूर होगा। आज के प्रोग्राम से इतने ही, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।